नमस्कार दोस्तों, नेचर्स गिफ्ट यूट्यूब चैनल से मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम चर्चा करेंगे भेंगापन के विषय में। इस पर मैं एक वीडियो पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ। मेरे कुछ व्यूअर्स की ऐसी कंप्लेंट है कि मैंने उसमें कोई भी उपाय नहीं बताया। असल आंखें इतनी ज्यादा नाजुक होती हैं कि इसके विषय में बगैर किसी प्रमाणित किए उपाय को बता देना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं लगा मुझे। इसीलिए मैंने उसमें जो सावधानियां हो सकती थी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे जानबूझकर इधर उधर आंखें घुमाते हैं, लेकिन वही उनकी आदत बन जाती है जो कि आगे चल करके लोगों को ऐसा लगता है कि भेंगापन है। तो इसके लिए मैंने उसमें कुछ सावधानियां बताई। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ उपाय बताने जा रही हूँ, लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं लूंगी क्योंकि इसका कोई एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं किया है। आयुर्वेद के जाने माने सलाहकार राजीव दीक्षित जी का ऐसा मानना है कि उन्होंने एक बच्चे के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया था। उन्होंने काफी हद तक उस बच्चे की नजर में सुधार होते हुए देखा है। उपाय ये है कि जो मुंह की लार होती है, यानी कि जो सलाइवा होता है, उसका उपयोग आपको आंखों में काजल की तरह करना है। यानी कि रात में जो लोग मंजन करके सोते हैं तो ही ये उपाय कर सकते हैं। आप अपने मुंह को अच्छी तरह साफ करके सोते हैं तो आप इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं। इसी राजीव दीक्षित जी का कहना है कि उन्होंने बच्चे के ऊपर इस एक्सपेरिमेंट को किया था जो कि 4 साल का था। आयुर्वेद के लोगों ने ये माना है कि मंजन ब्रश करके अगर हम सोते हैं तो जो हमारे मुंह की लार होती है वह एकदम फ्रेश होती है। दर्शकों के ऊपर निर्भर करता है कि क्या आप इस एक्सपेरिमेंट को, यानी कि इस उपाय को अपने ऊपर या अपने बच्चे के ऊपर कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक व्यायाम है जो मैं आपको बता दे रही हूँ, उसे आप ध्यान दीजिए क्योंकि व्यायाम से कोई तकलीफ नहीं होगी। हाँ, आपको आराम जरूर हो सकता है। नजरें जो हैं वो सीधी हो सकती है, समान दृष्टि में हो सकती है। तो ये व्यायाम कुछ इस तरह से है, जो लोग बड़े हैं वो ध्यान दें, जो छोटे बच्चे हैं उनको आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन जो बड़े हैं जिनको भेंगेपन की शिकायत है वो खुद से करने की कोशिश करें। जिस तरह से कि नियम जो होता है, मतलब व्यायाम का जो नियम होता है वो ये होता है कि आप प्रतिदिन उस क्रिया को करें तो ही आपको असर होगा। तो ये इस तरह से आपकी उंगली है, दोनों ऊपर आपने किया और दोनों नजरों को आप यहाँ उंगली के ऊपर टिकाई, यानी कि आप दोनों नजरें जो है वो उंगली को देख रहे हैं। ऐसा करने के लिए आप चाहें तो कमरे की लाइट वगैरह जो होती बंद करें और मोबाइल से किसी या टार्च से यहाँ पर लाइट जला करके रखें, जिससे आपकी नजरें जो होती हैं आगे पीछे नहीं घूमेंगी, सीधा आपकी उंगली के ऊपर घुस जाएंगी। और आप समान दृष्टि से, यानी दोनों आंखों से कोशिश करिए, प्रतिदिन 10 से 15 बार तक इस प्रक्रिया को दोहराइए कि आप सामने देखने की कोशिश करिए। इस तरह से अगर 10-15 बार आप करते हैं तो आपकी नजरें धीरे धीरे सीधी पड़ने लगती है, यानी कि एक समान दृष्टि आपकी हो सकती है। बच्चों को करने के लिए आपको उनका कोई मनपसंद खिलौना या चॉकलेट आप कर सकते हैं, शायद इससे उनकी आंखें सीधी पढ़ने लगेगी, यानी कि दोनों नजरें समान पढ़ने लगेगी। जैसे ये चॉकलेट है, आपके बच्चे को ये बहुत पसंद है, आपने इस तरह से ऊपर किया या फिर कुछ भी जो कुछ उसे पसंद हो, खिलौना पसंद हो, चॉकलेट पसंद हो, इस तरह से ऊपर करिए। उसके सोया रहे तभी, बैठा रहे तभी, आप इस तरह से करिए। आगे पीछे का माहौल जो होता है वो ऐसा रहे कि कोई आगे पीछे न रहे, जिससे कि उसकी नजरें भटक सके, यानी कि उसको सीधा सामने दोनों आंखों को उसको घुमाना है। वो कोशिश करेगा क्योंकि उसकी मनपसंद चीज है, तो वो कोशिश करेगा उसे देखने के लिए। और फिर धीरे धीरे उसके पास लेके आइए और उसे देने की कोशिश करिए, और दे भी दीजिए, क्योंकि अगर आपने नहीं दिया तो बच्चे को खिज हो जाएगी और वो आपके ऊपर गुस्सा करेगा, दोबारा उस चीज को नहीं देखेगा। और ये प्रक्रिया आपको प्रतिदिन करना है, इसलिए आपको बच्चे का मन नहीं तोड़ना है, आपको उसे वो चीज बाद में दे देनी है। इस बात को ध्यान रखिए और 10 से 15 बार प्रतिदिन इस क्रिया को करिए। इतनी मेहनत माता पिता होने के नाते हमें करनी ही होती है। ऑपरेशन से अगर बचना है तो आप इस व्यायाम को या फिर जो मुंह की सलाइवा यानी कि लार जो मैंने बताया, इस प्रक्रिया को आप करके देखिए। शायद हो सकता है कि किसी को अगर भेंगेपन की शिकायत है तो वह दूर हो जाए। और मेरे द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।